फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल का काम बहुत अच्छा हुआ। कल दरुद खानी थी घर पे और माशाल्लाह जिन जिनको बुलाई थी सभी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी रौनक सजी थी घर पर हुजूर के नाम से। हमेशा कैमरा ही ख़राब रहता है। तो एक्चुअली किचन में थी, नमाज़ पढ़ के किचन में गई थी, तो इसीलिए। और सब बहुत खुश भी हुए। मेरा घर तो रौनक ही रौनक हो गया था। और यहाँ देख लो, पहले मेरे बच्चे को नाई नहीं करा है, कल टाइम नहीं मिला था। मेरी बेबी ने नाई नहीं करा है। हाँ, तो कल है ना बहुत अच्छा काम हुआ। इतनी देर तक सबने पढ़े, दरुद खानी हुई, यासिन खानी हुई। पहले सबने यासिन शरीफ पढ़े और फिर सबने दरुद शरीफ पढ़े और काफ़ी टाइम तक पढ़े। और सब 2 बजे से जावेद में से पीछे वाली एक बाजी को लेकर आए थे और उसके बाद से जो सब आना स्टार्ट हुए थे। हर वीडियो में देखना ये लड़की मुझे डिस्टर्ब करती है। हाँ, तो सब आए थे, बहुत खुशी हुई। और ऐसा कोई भी नहीं था कि जो नहीं आया होगा। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने सबको बुलाई थी और सब आए। हाँ, हुमैरा थोड़ा सा लेट आई थी, थोड़ा उनकी सास को लेने के लिए उनके देवर आए थे, तो उस वजह से थोड़ा टाइम कम हो गया। फिर बोलती है कि मेरे को ऐसा लगा मैं क्यों आऊँ करके, मगर ऐसा नहीं है बहन, तुम्हारा घर है, बिल्कुल टाइम का मत सोचा करो। मैं जिसको भी, मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे जितने भी पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि मेरे घर में आने के लिए टाइम वगैरह मत देखा कीजिए। थोड़ी सी क्यों, इतनी सी भी? अभी गुलाब जामुन खाए। मेरे घर में आने के लिए टाइम का मत सोचा कीजिए, वक्त भी नहीं, दिन भी नहीं। ठीक है, आपका घर है, जब दिल करता है बिल्कुल आइए। कल क्यों नहीं आई? गई थी मार्केट। बाजू वाले बच्चे आ गए थे, उनसे बात करने लगे। अम्मी ना कपड़े निकाल दे बाहर, मशीन के कपड़े यहाँ रख दे, हम खाना खा लेंगे फिर सुखा देंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत डर लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं वेज खाना रखी थी। मेरे को सब्जियों का कोई अंदाजा नहीं था कि वेज में कितना लगता, अपना नॉन वेज का मुझे है कि मटन कितना लगता, चिकन कितना लगता और बचेगा नहीं बचेगा, मेरे को पूरा अंदाजा है। मटन का कोरमा बोलो, सब्जी बोलो या बिरयानी बोलो, मैं हर चीज़ का अंदाजा आराम से मेरे घर में बचता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबको देती भी हूँ, ठीक है ना। देने का मकसद ऐसा मैं बता नहीं रही कि मैं देती हूँ, मगर घर में रख के मैं क्या करूँ, इतना बचता है कि मुझे बांटना पड़ता है, ये मेरे कहने का मतलब है। प्लीज कोई गलत मत लेना। अम्मी नहीं सोचा, मम्मी मैं थक गई, गाड़ी चला के रिक्शा चलाई, थक गई। मैं ऐसे ही डांटती हूँ, ले फिर वीडियो चालू है, मैं बोलने मतलब, फिर बोलती मम्मी कितना बोलते सुनने का सफर। तो और प्लेट पीछे से ला लेना मम्मी। देखे काम चोर को, काम चोर लड़की है मेरी, नहीं है काम करती है, बहुत काम करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पर बोलना पड़ता है ना, ऐसे तारीफ नहीं करना मुंह पे कभी बच्चों की, सुनाई दे रहा है। मेरी बात ही कंप्लीट नहीं होती, एक तो मैं भूल जाती हूँ। आयशा हंसेगी मेरा ब्लॉग देख के, वो हमेशा हंसती है, मामी तुम बोलते बोलते भूल जाते हो, फिर मुझे याद दिलाती है, हाँ मामी फिर ऐसा है। और मैं भूल गई हूँ सच्ची में। हाँ आयशा देखती है, सब देखते है। दस्तर में बिछा बेटा, अब मैं गाड़ी नहीं दूंगी तेरे को, नहीं मैं अब मम्मी। और हाँ, पैरों की मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, सब दुआ करना मेरे पैरों के लिए। एक के घुटने में टक टक हो रहा है, एक की एड़ी में हो रहा है, क्या होगा मेरा। बड़ी धीरे धीरे चल रही हूँ, जैसे ही हो रहा है ना वो तकलीफ, अल्लाह अकबर, ऐसे दर्द उठ रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ, नहीं क्या बताऊँ। मेरे नए नए बर्तन सब देखना पड़ता है, तोड़ताड़ डालेंगे, ये ना मुँह पलटा देती है। चलो फिर मैं खा के मिलती हूँ ना, मेरे को याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या बोल रही थी। और ये आमिना ने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, ये खाने के लिए ये बैगन का मसाला है। हाँ। और वो इतनू सा ही बच्चा है। हाँ। बुलबेग को बस पहुँचाना बाकी है, आमिना ने भी खा ली, अम्मी ने भी ले लिए, रोशन भाभी को भी इतना सा ही पहुँचाई हूँ
और हुमैरा को भी इतना सही पहुँचाइयो, इतना इतना छोटी सी कटोरी है ना, इसकी आधी कटोरी पहुँचाइयो। हाँ, और ये है दाल फ्राई जो कि बहुत सारी बची है अभी भी, और ये भी कल के ही चावल है, और ये पनीर की सब्जी भी इतनी ही बची है। अब इसके पापा आयान और मैं खा रहे हैं, अमीना ने नहीं खाई है, बैगन की सब्जी से खाई है। और ये अम्मी की सेम फली, अम्मी ने काला भस्म पता नहीं क्या क्या ऐसे कर रहे हो लाल मिर्ची पाउडर से। हाँ। अब खा के पता नहीं कैसे लग रही है। आ जाइए फ्रेंड्स, पौने चार बज रहा है, आ जाइए खाना खाने के लिए। तो हम लोग रात को निकले हैं घूमने के लिए, और हम लोग जा रहे थे वलिया को लेने के लिए, तो वलिया को तो ले लिए थे हमने, और घूम फिर के रिटर्न छोड़ने जा रहे थे ना जब ये वीडियो बनाई मैंने, क्योंकि मानकापुर में बहुत प्यारी सजावट करे थे। ये मस्जिद है मानकापुर की, हमीदिया मस्जिद शायद से, मैं भूल जाती हूँ, ये मस्जिद है और बहुत खूबसूरत, देखो कितना प्यारी लाइटिंग करे इसकी, मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने इसको शॉर्ट्स में भी डाली हूँ, ज़रूर देखिएगा, बड़ा प्यारा खूबसूरत। और यहाँ पे स्टेज पर भी नाथ शरीफ वगैरह होता, स्टेज वगैरह बनता है। यहाँ मीना ने पिज्ज़ा बनाए हैं, ये सिर्फ इतना ही देखो, इधर से मत देखो क्योंकि वो टेढ़ा है, और इधर से भी मत देखो, सिर्फ यहाँ से देखो कि ये पिज्ज़ा है। ओ, बहुत गर्म है, ये इतना गर्म है कि वो उठा नहीं पा रही है। चीज़ी पिज्ज़ा, घर में रखे हुए चीज़ को रहना नहीं देना चाहिए, बस ऐसे बना बना के खा लेना चाहिए, ये हमारी आमिना का कहना है। क्यों आमिना? नहीं मम्मी, खाते भी पीते रहना चाहिए। और डाइटिंग का क्या? वो नहीं पता। फिर दो दिन बाद बोलना चाहिए मैं तो डाइटिंग पे हूँ। नहीं, वो तो डाइटिंग भी करना चाहिए, पिज्जा खा करके डाइटिंग करना चाहिए। मैं पिज्जा नहीं खाती इतना, ये घर पे मैदा पराठा बना था मैदे का, उसका इसने पिज्जा बना के खा रही है। नहीं मेरे को मत। तो ये है मेरा आज के दिन का रात का आखिरी मील, जो है विदाउट शुगर ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी सॉरी। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।